सुबह सुबह फोन आया और फोन लड़के का था। उसका सवाल ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो काफी बार रोती है, मतलब एक मीटिंग में कभी एक ना एक बार तो भी रो ही देंगी, तो उसका क्या करे, यदि मैं आगे बढ़ू नहीं बढ़ू, ये तो मुसीबत साबित हो सकती है आगे चल के, क्या करना क्या नहीं, ऐसा सवाल उसको था। क्या होता है कि पहले हमारे तरफ एज ए साइकियाट्रिस्ट हमारे तरफ सिर्फ पेशेंट ऐसे आते थे कि जो सिर्फ पागल है, जिनको शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, या बहुत डिप्रेस्ड है या नर्वस है। अभी पूरा ट्रेंड बदल गया है, अभी इसमें तो छोटी छोटी बात के ऊपर लोग फोन करते हैं और फिर सलाह मशवरा करते रहते हैं। उसमें का एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने वो लड़के को बोला कि ठीक है, अभी आपको, आप कितने दिन से इसके संपर्क में है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो? तो उसने बताया कि करीब करीब साल सवा साल हो गया है कि मेरे साथ में वो है गर्लफ्रेंड। तो देखो वो कितनी खूबसूरत है, कितनी पढ़ी लिखी है, इससे बदले, इसके मतलब इसके बावजूद वो देखना जरूरी है कि भाई वो कितनी इमोशनल है। क्या होता है, हमको लगता है कि इमोशनल लोग काफी मुसीबत हो सकती है अपने लिए। एक तरफ देखा जाए तो तकलीफ भी है, क्योंकि छोटी छोटी बात के ऊपर वो इमोशनल हो जाएंगी, रोना चालू करेंगी या गुस्सा भी करेंगी, कभी कभी इतना गुस्सा करेंगी फिर बातचीत नहीं करेंगी दो दो दिन, फिर रोना धोना, फिर उसको मनाओ, फिर मनाने के लिए दो दिन लग जाएंगे उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब फिर वो एक मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस का कार्यक्रम हो जाता है। तो मतलब भाई आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपके लिए हाई मेंटेनेंस है वो, रोना धोना, बातचीत नहीं करना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना और उसके मन जैसा नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। और उसको हरदम ये लगता है कि मैं ठीक हूं, मेरा बराबर है और मैं सही हूं और सामने वाले ही गलत है, तो ये तकलीफ है। दूसरी अच्छी बाजू ये होती है कि भाई ये जल्दी रोती है, इमोशनल ज्यादा हो जाती है, मगर ये लोग जो है ना वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, सामने वाले पार्टनर के लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में बहुत केयर करना और फिर लोगों को अच्छा समझना, पार्टनर को अच्छा समझ लेना, मतलब ये जो इमोशनल लोग रहते हैं ना इनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये लोग है ना कभी आपको धोखा नहीं देंगे, ये लोग जो है मतलब इमोशनल लड़की है तो वो आपको धोखा देगी नहीं, वो आपके साथ में रहेंगी, वो बहुत प्यार करेंगी, समझ लेंगी और हर बात की उसको चिंता रहेगी, केयर करेगी। और मगर उसके साथ साथ ये जो मैंने पहले बताया कि भाई पजेसिवनेस इनको ज्यादा रहता है कि ये मेरा है, मेरा किसने छीनना नहीं चाहिए, फिर आप किससे बात भी करोगे तो भी आपको उसको डाउट आ जाएगा कि ये छीन लिया तो फिर क्या होगा, किसका फोन लिया था, मतलब ये भी उसका पजेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक तरफ बहुत पजेसिवनेस, रोना, डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, फिर उसको उसमें से मनाना, ये एक तरफ है, और दूसरे तरफ है बहुत ज्यादा इमोशनल है मगर समझ लेना, प्यार करना, इंटीमेट रहना, कभी छोड़ेंगी नहीं और आपके साथ में मिलजुल के रहेंगे और अपना रिश्ता निभाएंगे। तो ये दोनों है, अभी इसका बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ये मैंने उसको समझाया कि बैलेंस आपको करना पड़ेगा। देखो कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, मतलब आपको ये चाहिए कि भाई नहीं, समझने वाली दोस्त फ्रेंड जो समझती है, प्यार करती है, अपने साथ में रहेंगे, धोखा देंगी नहीं, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है। अभी इसके साथ साथ ये भी मिलेगा आपको, रोना धोना, अपसेट होना, गुस्सा करना, पजेसिवनेस, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो चॉइस आपका है, मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है। आप देखो कि आपके स्वभाव के अनुसार ये चलता है कि आपको, और फिर वो हिसाब से आप करो। जो ऐसा इसने बोल दिया तो बोले ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जो पॉइंट बताया कि जो पॉजिटिव पॉइंट इसके है तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यार करती हो और वो समझ भी लेती है, उसको बहुत केयर भी करेंगी मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए मैं उसके साथ में कंटिन्यू करूंगा। उसके नुकसान भी है तो ठीक है, चलता ही रहता है, क्योंकि आपको आइडियल लड़की तो मिलेगी नहीं, आइडियल लाइफ पार्टनर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। एक किस्सा आपको बताता हूँ कि एक लड़का मेरे पास में आया, बोले मुझे परफेक्ट औरत चाहिए, परफेक्ट वाइफ चाहिए, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, उम्र 35 साल की हो गई अभी और परफेक्ट लड़की कोई मुझे मिली नहीं। बोले भाई 35 साल की उम्र हो गई आपको भी परफेक्ट लड़की मिली नहीं? बोले नहीं, मिली थी मुझे एक लड़की जिसको मैंने पसंद किया था और वो बहुत ही परफेक्ट थी, मेरे को जैसी चाहिए वैसी चाहिए थी, वैसी थी वो, मगर फिर उसने बोला कि मेरा परफेक्ट हस्बैंड नहीं हो सकता, तो आप परफेक्ट के चक्कर में शादी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो परफेक्ट के पीछे मत लगो, अत्युत्तम, सर्वोत्तम, बेस्ट कौन सा हो सकता है वो देखो, और व्हेन देयर इज गेन देयर इज आल्सो पेन, मुफ्त में कोई नहीं मिलता, ये ख्याल में रखो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।